ईद उल फितर का आज तीसरा रोज शहरी घरों से बाहर गरमा गरम नाश्ता करने होटल पहुंच गए। ईद मिलन पार्टियां भी जारी, बच्चों और नौजवानों ने आज भी सैर सपाटे का प्रोग्राम बना लिया। साजिश करने वालों की कोशिश है पहले पंजाब में इलेक्शन हो, हम चाहते हैं इलेक्शन एक ही दिन हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा हमें सियासी लड़ाई में आवाम को नहीं भूलना, इदारों में तकसीम नजर आ रही है जिसका नुकसान आवाम को होगा। मौलाना फजल रहमान पीटीआई से मुजाकरात ना करने के मौके पर कायम, कहते हैं हम इमरान खान से मुजाकरात के फलसफे और दलील को नहीं मानते, हम क्यों झुके और किसके सामने झुके, जिसने मुल्क को दिवालिया किया उससे मुजाकरात इसलिए करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सास माजबी नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफिया तारिक की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई, आज न्यूज इस ऑडियो की तस्दीक या तर्दीद नहीं कर सकता। वजीर दाखला राणा सनाउल्ला ने मुबैना ऑडियो लीक का आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया, कहा कि ऑडियो जिससे मुतालिक है वो इस्तीफा दे, ऑडियो गुफ्तगू से लोगों में तश्वीश की लहर दौड़ गई, दुनिया देख रही है कि किस तरह से इंसाफ की मट्टी पलीत की जा रही है। जंग जदा सूडान से गैर मुल्की शहरियों के इनखला का अमल जारी, सऊदी अरब ने 91 और दीगर ममालिक ने 66 शहरी निकाले, अमरीका ने 100, फ्रांस ने 200 अफराद को निकाला, ओमान और बरतानिया ने भी अपने सिफारती अमले को निकाल लिया। सूडान में झड़पों में अब तक 400 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं।